योगी सरकार भले ही अपराधियों को जेल भेजने और अपराध खत्म करने की बात कर रही हो, लेकिन योगी सरकार में भूमाफिया अभी भी अपने चरम पर है। मुरादाबाद में भी कुछ यही देखने को मिल रहा है। ताजा मामला थाना कटघर क्षेत्र का है। थाना कटघर क्षेत्र के बलदेवपुरी में भूमाफियाओं के द्वारा एक दुकान पर कब्जा किया जा रहा है और पुलिस इस मामले में कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक श्यामकली पत्नी स्वर्गीय राजपाल का बलदेवपुरी में एक मकान है। पीड़ित महिला के मकान में दुकानें हैं, लेकिन भूमाफिया और दबंग चतर सिंह पीड़ित के मकान में बनी दुकानें हड़पना चाहता है। पीड़ित ने बताया कि पुलिस भी इस मामले में कुछ करने को तैयार नहीं है और पुलिस पीड़ितों की बात बिल्कुल नहीं सुन रही। पीड़ित का कहना है कि अब शायद मुख्यमंत्री योगी ही गरीब और बेबस महिला को न्याय दिला सके। दुकान है और मकान है, मकान के अगर दुकान है, मेरी दुकान पे कब्जा कर लिया। मेरा नाम दोई, मैंने अपने रसीद नामा करवाई है, खुद गवाए अपने आप को। मेरे दो लड़के हैं, खवा पिवा के मेरी दुकान छीन लिया है। मैं तोड़ ले जाऊँ तो नुगे हाथ मत लगा दिए, ईंट को अखोल मत दिए। इसे दुकान को मचेरी छोड़ रही है, मेरे बाप की है। आज हमने तरकाज लगाई थी चौकी में गए थे तो हमारी कोई सुनवाई न कर लिया, हमें भजा दिया डांट डपट के। वो कह दी के जाओ घर को अपने। ये हमारी दुकान के ऊपर हमारे फूफा है, एक दुकान पहले छीननी थी, एक अब छीनने जाते हैं। जबरिया कब्जा कर रहे हैं, बनाने नहीं दे रहे। ये कहते हैं ये तुम बना के देखो दुकान, हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारे। और हम चौकी भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे।